नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, कॉलेज रैंकिंग एक टूल या एक ट्रैप, रैंकिंग का समझदारी से उपयोग कैसे करें। अगर आप भी इस बारे में कंफ्यूज है कि कॉलेज रैंकिंग पर कितना भरोसा किया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नंबर वन के साथ, कॉलेज रैंकिंग क्या है, व्हाट इज कॉलेज रैंकिंग। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कॉलेज रैंकिंग होती क्या है। विभिन्न संस्थाएं और वेबसाइट हर साल कॉलेज की रैंकिंग जारी करती है। ये रैंकिंग कई फैसिलिटीज पर आधारित होती है, जैसे कि एकेडमिक गुणवत्ता, फैसिलिटी, रिसर्च, प्लेसमेंट्स और छात्र संतुष्टि। हालांकि यह याद रखना भी जरूरी है कि हर रैंकिंग एजेंसी के अपने अपने मापदंड होते हैं। नंबर टू, रैंकिंग के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ रैंकिंग। तो बेसिकली रैंकिंग के कई फायदे भी होते हैं। यह आपको एक बेसिक आइडिया देती है कि कौन से कॉलेज अच्छे माने जाते हैं। इससे आपकी रिसर्च में आसानी होती है और आप अपने विकल्पों को सीमित कर सकते हैं। रैंकिंग आपकी प्रायोरिटी सेट करने में मदद करती है और आपको पता चलता है कि कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं नंबर 3 की, रैंकिंग के नुकसान, डिसएडवांटेज ऑफ रैंकिंग्स। अब जिधर फायदे हैं उधर नुकसान भी होते हैं। हर रैंकिंग के मापदंड अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक कॉलेज एक एजेंसी की लिस्ट में टॉप पर हो सकता है, पर दूसरी एजेंसी की लिस्ट में वह नीचे हो सकता है। सिर्फ रैंकिंग के आधार पर निर्णय लेना गलत हो सकता है, क्योंकि यह आपके व्यक्तिगत जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में नहीं रखते। नंबर 4, रैंकिंग का समझदारी से उपयोग, यूजिंग रैंकिंग्स विजुअली। तो रैंकिंग को समझदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहले विभिन्न रैंकिंग्स को देखें और उनकी तुलना करें, फिर अपने व्यक्तिगत मापदंड सेट करें, जैसे कि लोकेशन, फीस, कोर्स आदि। केवल रैंकिंग पर भरोसा ना करें, कॉलेज की वेबसाइट देखें, छात्रों से बात करें और कैंपस विजिट करें। आखिरी में बात कर लेते हैं नंबर 5 की, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, पर्सनल प्रेफरेंस। अपने व्यक्तिगत मापदंडों को हमेशा प्राथमिकता दें। सोचें कि क्या कॉलेज आपके करियर गोल्स, रुचियों और जीवन शैली से मेल खाता है। अपने परिवार और दोस्तों से सलाह लें, क्योंकि वे आपकी प्राथमिकताओं को अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, कॉलेज रैंकिंग एक उपयोगी टूल हो सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। समझदारी से रैंकिंग का उपयोग करें और अपने व्यक्तिगत मापदंडों को प्राथमिकता दें। उम्मीद है कि यह टिप्स आपके लिए सहायक साबित होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद।